नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीरीज का टॉपिक कर रहे थे, उसमें हम एडिशन का पार्ट सोल्व कर चुके हैं। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो पिछली वीडियो पे जाके देखिए। एक मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर उसका आया हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सीरीज के अगले पार्ट पे। हम एडिशन का पार्ट जो है, प्लस का जो पार्ट है वो कर चुके हैं। अब हम सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन का, यानी कि माइनस का पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। देखिए, अगर हम 102 से 101 पर जाते हैं तो कितना जाना होगा हमें? माइनस का एक जाना होगा, हमें माइनस का एक जाना होगा। 101 से 98 तक अगर हम जाएंगे तो कितना जाएंगे? माइनस का तीन हम चले जाएंगे। फिर 98 से 93 पे जाना है तो हम कितना माइनस कर लेंगे? पांच माइनस कर लेंगे इस तरीके से। 93 से हमें 86 पे जाना है तो हमने कितना माइनस करना है? सात। इसके बाद में क्या आएगा? क्या ये सभी की सभी विषम संख्याएं हैं या फिर ये अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये पता करने के लिए, यदि जब कभी भी विषम संख्या का आपका रहेगा तो विषम संख्या हमेशा एक से शुरू होती है। विषम का मतलब है ओड नंबर। विषम का मतलब क्या होता है? ओड नंबर होता है। यदि आपका आ जाए अभाज्य, कि भाई अभाज्य कब स्टार्ट होगा? अब यहाँ पे तो सात आ रहा है, ये आ रहा है, तो अभाज्य संख्या जो है वो कब लेनी है? तो देखिए, अभाज्य संख्या का नंबर होता है प्राइम। अभाज्य का मतलब क्या होता है? प्राइम। और प्राइम नंबर हमेशा दो से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? दो से शुरुआत होती है। यहाँ पे शुरुआत की गई है एक से, यानी कि वो ओड नंबर का यूज कर रहा है, विषम संख्याओं का प्रयोग वो कर रहा है। तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ एक है, तीन है, पांच है, सात है, यहाँ क्या आ जाएगा? नौ। यानी कि हम इसमें से नौ को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 77। 77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखिए, सीरीज जो है वो हमें घटते क्रम में नजर आ रही है। अगर सीरीज घटते क्रम में जारी है तो हमें सिंपल सा एक ही काम करना है, सब्ट्रैक्शन का यूज करना है, घटा का हमें यूज करना है। तो चलिए जानते हैं कि 135 में से कितना घटाएं कि 124 बन जाए, ठीक है? तो कितना माइनस करेंगे? चलिए माइनस करते हैं, हमने माइनस किया कितना? 11। 135 में से 124 तक पहुंचने के लिए हमने माइनस 11 जाना पड़ेगा। इसके बाद हम 112 में से 111 हमें माइनस करना है। 112 में से 111 जब आप माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे? 13 का आप माइनस कर दोगे। 111 से आप जाओगे 96 पे। 111 से कहां जाएंगे हम? 96 पे। अब यहां पे हम कितना माइनस करेंगे? अब माइनस करेंगे 15 यानी कि 15। अब इसके बाद क्या वैल्यू आएगी? तो देखो, 11 है अभाज्य संख्या है और विषम भी है, 13 एक अभाज्य है और विषम भी है, लेकिन 15 जो है वो केवल विषम है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी कि ये क्या यूज कर रहा है? विषम संख्याओं का प्रयोग कर रहा है, विषम संख्याओं का यूज कर रहा है। 15 के बाद क्या होता है? 17। इसमें से कितना वो माइनस कर देगा? अब माइनस कर देगा वो 17। जब इसमें से वो 17 माइनस करेगा तो इसका आंसर आ जाता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 79। आंसर क्या हो जाएगा? 79। 79 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे जो क्रम चल रहा है वो घटते क्रम में जा रहा है। अगर घटते क्रम में जा रहा है तो पहले स्टेप यूज करेंगे, डिफरेंस यूज करेंगे, यानी कि हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंस यूज करेंगे। तो देखिए, 325 में से 314 तक हमें जाना है, यानी कि कितना हमें माइनस करना होगा? हमें माइनस करना होगा 11। कितना माइनस करना होगा? 11 माइनस करना होगा। 314 से जाना है हमें 288 यानी कि 288 तक। तो अब हम कितना माइनस कर रहे हैं? अब माइनस कर रहे हैं हम 26। हम कितना माइनस कर रहे हैं? 26 माइनस कर रहे हैं 288 में से। जब हम माइनस करते हैं कि 247 आपका बन जाए, कितना माइनस करेंगे हम? यहाँ माइनस करेंगे 41। कितना माइनस कर देंगे? 41। तो क्या हमें इस डिफरेंस में समझ आया? अगर हम
11 को दो बार मल्टीप्लाई कर ले और उसमें कुछ प्लस करें तो 26 तक पहुंच सकते हैं। और क्या यही टर्म आगे अप्लाई हो रही है? ये टर्म आगे अप्लाई नहीं हो रही है, तो एक डिफरेंस से हमारा आंसर नहीं आया। तो देखते हैं क्या पता हमारा दूसरे डिफरेंस से भी आंसर आ जाए। तो देखिए 11 और 26 का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 15। 26 और 41 का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर भी है कितना? 15। अगर डिफरेंस आपका 15 चल रहा है तो आगे भी कितना ही चलेगा? 15 ही चलेगा। अगर यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे भी आपका क्या चलेगा? हमेशा इक्वल ही गैप चलेगा। तो 41 और 15 का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? वो अंतर रहेगा आपका -56, यानी कि -56 आपका डिफरेंस रहेगा। अब आपको क्या करना है, 247 में से इस 56 को माइनस कर देना है, 56 को माइनस कर देना है, अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए हम माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 191 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने जाना कि एक डिफरेंस से तो आंसर नहीं आया है, दूसरा डिफरेंस हमें निकालना पड़ा। जब हमने दूसरा डिफरेंस निकाला तब इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि 24वां जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कहता है। देखिए यहाँ पे भी सीरीज आपकी घटते क्रम में दी गई है। अगर सीरीज घटते क्रम में है तो क्या अप्लाई करेंगे हम? इनका डिफरेंस ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इन्हें पहले एक डिफरेंस से सोल्व करके देखते हैं, क्या पता एक डिफरेंस से इनका आंसर आ जाए। तो देखिए 78 में से कितना माइनस करें, 78 में से कितना माइनस करें कि 51 तक हम पहुंच सके? तो यहाँ इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 27। डिफरेंस कितना हुआ? 27 हुआ। तो चलिए अब आगे की ओर कि 51 में से हमें कितना माइनस करना है? 33 माइनस करना है। 51 में से, इस 51 में से हमें 33 जो है वो माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, देखिए कितना आएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 18, यहाँ पे आपका आ जाता है। माइनस किया, कितना माइनस किया? 18 हमने माइनस किया। अब 33 से कहाँ चले जाओगे? 22 पे, यानी कि 33 से 22 पे जाना है। कितना माइनस करना है? 11 माइनस करना है। कितना माइनस कर दिया? 11 हमने माइनस कर दिया। अब 22 से आप 16 पे चले जाओ, 22 से 16 पे चले जाओ, तो कितना माइनस कर दोगे? अब माइनस कर दोगे 6। अब कितना माइनस कर देंगे? 6। तो क्या हमें कुछ सीरीज समझ आई कि भाई 6 का डबल किया हो और एक माइनस कर दिया हो, कि 6 × 12 और एक माइनस किया तो 11 आया। अब 11 का डबल करके देखते हैं कि 11 × 2 = 22 होता है, लेकिन यहाँ तो 4 माइनस कर रहा है, लेकिन सीरीज जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अब हमें तरीका क्या अप्लाई करना है कि अब हमें इनका भी डिफरेंस कर देना है। अब हमें क्या कम करना है? अब हमें इनका भी क्या कर देना है? अंतर कर देना है। तो देखिए 27 में से 18 यदि हम यहाँ इसका गैप लेते हैं तो गैप आपका कितना आया? 9। गैप कितना आया? केवल गैप हमें लेना है, गैप कितना आया है? 9। 18 से 11 तक जाओगे कितना गैप हो जाएगा आपका? 7। 11 से 6 तक का गैप कितना है? 5। तो देखिए 9 एक विषम संख्या है, विषम से जा रहा है 9 के बाद 7 घटते क्रम में गया, 7 से गया 5 पे घटते क्रम में, 5 के बाद आपका क्या होता है? 3 होता है। 5 के बाद क्या होता है? 3। तो ऊपर की तरफ जो सीरीज चल रही है वो भी क्या चल रही है? घटते क्रम में ही आपकी सीरीज चल रही है। तो 6 में से 3 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। 16 में से 3 घटा दो, आंसर क्या आ गया? 13। 16 में से 3 घटा दो, आंसर क्या आ गया? 13। बस ऐसे ही पढ़ते रहना है हमें, कुछ मुश्किल नहीं है, सीरीज ही तो है ना। कि अब की बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, अब की बार तो अपना सिलेक्शन खरा है ना, कि सिलेक्शन आना चाहिए। तो चलिए सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम चेक करते हैं कि 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे सीरीज क्या चली? 24, फिर उसके बाद 35, भाई सीरीज क्या हो रही है? बढ़ते क्रम में चल रही है। फिर क्या आ गया? 20, अब तो सीरीज वापिस घट गई। फिर 31 फिर बढ़ गई। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से, ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के तरीके से, कभी तो लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, फिर लगता है हाँ सिलेक्शन तो हो गया, फिर एकदम से कम हो जाता है, सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो सिलेक्शन कैसे होगा कि इनको हमें जानना होगा, इन सबको अलग अलग बांटना होगा। किस तरीके से कि देखो अगर हम 24 से चले जाए 20 पे और 20 से चले जाए 16 पे तो सीरीज हमारी बन रही है। कि जब कभी भी यहाँ पे ऐसा हो कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो हमेशा वहां पे कितनी सीरीज चल रही होती है? हमेशा वहां पे दो सीरीज आपकी चल रही होती है। तो देखिए 24 से आप कितना गए 20 पे, कितना माइनस किया? 4 आपने माइनस कर दिया।
20 से 16 पे गए, कितना माइनस कर दिया, 4 माइनस कर, कितना काम किया। चलिए ऊपर वाली सीरीज को भी जान लेते हैं, वहां क्या वैल्यू उसने यूज की होगी। तो 35 से 31 यहाँ भी 4 माइनस कर दिया, 31 से 27 यहाँ भी 4 माइनस कर दिया। कोई दोनों जगह क्या कर रहा है, दोनों जगह 4 माइनस कर रहा है। अब क्या करना होगा कि 16 में से हमें 4 माइनस कर देना है। जब आप 16 में से 4 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पहला आंसर हमारा आ चुका है, पहला आंसर हमारा क्या है, 12 है। अगला आंसर क्या आएगा, देखिए 27 में से हमें 4 माइनस कर देना है। जब आप 27 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 23। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या हुआ, 23 यानी कि 23, 23 यानी कि 23। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन किस तरीके से है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 29 फिर 38 फिर 47 फिर 56। अब ये सीरीज तो बढ़ते क्रम में जा रही है ना, तो चलिए क्यों ना हम इनका डिफरेंस कर ले, क्या पता हमें डिफरेंस सही पता चल जाए। चलिए डिफरेंस कर लेते हैं। जब आप डिफरेंस करोगे कि 29 और 38 का डिफरेंस हम करते हैं तो डिफरेंस कितना हुआ, 9 का डिफरेंस हुआ। उसके बाद में 38 और 47 का गैप कितना है आपका, इनका डिफरेंस भी आपका कितना आया, 9 ही आया है भाई। यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। अगर यहाँ भी 9 आ जाता है आपका डिफरेंस तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि 56 और 47 का डिफरेंस कितना है, 9 है भाई। हर एक जगह क्या डिफरेंस आ रहा है आपका, हर एक जगह 9 ही डिफरेंस आ रहा है। 38 में से 29 गए तो कितना आया, 9 आया। सेम ऐसे ही 47 में से 38 चला गया कितना आ गया, 9 आ गया। 56 में से 47 चला गया तो क्या आंसर आ गया आपका, 9 आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन वहां पे जो सॉल्यूशन दिया गया है वो क्या सॉल्यूशन दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 56 में 56 में कितना प्लस कर देंगे, 9 हम प्लस कर देंगे। चलिए 9 प्लस कर देते हैं। जब आप 56 में 9 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब वहां पे कैसा सॉल्यूशन दिया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इसने क्या काम किया है, इसने काम किया है कि अब इसने बोला कि 2 से गया वो 3 पे, 1 प्लस किया, 2 से 3 पे किया 1 प्लस, 3 से गया 4 पे 1 प्लस कर दिया, 4 से गया 5 पे 1 प्लस कर दिया। तो 5 के बाद क्या होना चाहिए, 1 6 होना चाहिए, वहां भी 1 प्लस कर दिया भाई। सीरीज वहां भी ऐसे ही चल रही है। अब आते हैं अगले पे, यहाँ क्या यूज कर रहा है, 9 में से 1 घटाया 8, 8 में से 1 घटाया 7, 7 में से 1 घटाया 6, 6 में से 1 घटाया 5। भाई उनके तरीके से भी हमारा आंसर आ रहा है और डिफरेंस से भी हमारा क्या है, तरीका सही आ रहा है। तो मैं सर आपको बताता हूँ कि डिफरेंस जो है वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। बस आप जुड़िए इस वीडियो से, जुड़ते रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। आज कुछ अलग ही फीलिंग आने वाली है क्योंकि अभी तो सब्ट्रैक्शन ही सोल्व किया है, इसके बाद तो बहुत सारे। चलिए दोस्तों अब हम अगले पार्ट की ओर पहुंचते हैं। देखिए हम प्लस के साइन जो है वो यूज कर चुके हैं, माइनस का साइन यूज कर चुके हैं, अब हम किसका साइन यूज करेंगे, भाग का यानी कि डिवाइड का। प्लस माइनस में हमने क्या समझा कि एक तो सिंपल डिफरेंस से आ जाए, उससे नहीं आ रहा तो दूसरे डिफरेंस से, उससे नहीं आ रहा तो 3 डिफरेंस से हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम सोल्व करते हैं 27वां क्वेश्चन कि यहाँ लिखा गया है 70,000, उसके बाद लिखा गया है 14,000, फिर लिखा गया है 2,800। वैल्यू जो है कुछ ज्यादा ही कम होती जा रही है। जब वैल्यू या तो आपकी कुछ ज्यादा ही बढ़े, कुछ ज्यादा ही क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़े, तो क्या आपका यूज होता है, मल्टीप्लाई आपका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू कहीं ज्यादा घट रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घट रही है, तो आप यूज क्या करोगे, आप यूज करोगे डिवाइड का यानी कि भाग का आप यूज करोगे। तो चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए किस तरीके से। अगर ये 3 जीरो हटा दूं और ये 3 जीरो मैं हटा दूं तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन जो है क्या हो गई, सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो देखिए 14 पंजे कितना होता है, 70 है ना, कि कितने से डिवाइड कर दिया, इसने 5 से इसे भाग कर दिया। अगर मैं 70,000 को 5 से भाग कर दूंगा तो आ जाएगा 14,000। अब ऐसे ही अगर मैं 14,000 को कितने से डिवाइड करूं, यहाँ पे हमारा 2,800 बन जाए।
तो वो कितने से करेंगे? चलिए ये भी हम ऐसे ही करते हैं, जीरो हमने हटा दी। अब हम देखते हैं कि 28 बंजे कितना होता है, 28 बंजे होता है 140। तो यहाँ भी कितना आया, हमने कितने से डिवाइड किया, 5 से ही हमने डिवाइड किया। सेम काम हमें यही आगे करना है। तो देखो एक बारी 5 डिवाइड कर लिया, एक बारी और 5 डिवाइड कर लिया। अगर वो दो बार 5 डिवाइड कर चुका है तो तीसरी बार भी वो 5 ही आपसे डिवाइड करवाएगा और आपका आंसर हो जाएगा अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर, इसको अगर हम इससे करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने पर कितना बनता है, तो देखिए इसे हम सोल्व करेंगे कि 5 5 कितना होता है 25, 5 पे फिर कितना चला जाएगा, उसके बाद हमारा 30 बचा, 6 5 30 कितना आ गया, 560 आ गया, कि 560 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या पता ये 560 है कि नहीं है, कि आगे की ओर 112 बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो भी हमें चेक करना होगा। तो चलिए वो भी हम चेक करते हैं, इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो भाई 5 एकम 5 बन रहा है, 5 एकम 5 यहाँ भी बन रहा है, 1 बचा तो 5 2 10 बिल्कुल सही है। यानी कि पहले क्वेश्चन में उसने क्या टर्म अप्लाई की, उसने अप्लाई किया कि यहाँ पे डिवाइड 5 कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो आसान चीजें हैं, सिलेक्शन भी आसान है, आप मेहनत करते रहो, जितना स्ट्रगल करोगे ना उतना जल्दी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। जितनी मेहनत करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, हमें रुतबा पाना है तो क्या करना होगा, प्रैक्टिस तो करनी होगी, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस के हिसाब से ही अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, तो देखिए यहाँ से भी 484 से वो कहाँ तक चला गया, 121 तक चला गया। तो कुछ ज्यादा ही उसने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, देख लेते हैं। तो देखिए 484 का 242 यहाँ दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, हाफ है भाई, हाफ है। कितना कर रहा है यहाँ पे, किससे भाग कर रहा है, 2 से भाग कर रहा है। 4 को 2 से भाग किया तो 2 आया, 8 को 2 से भाग किया 4 आया, 4 को 2 से भाग किया कितना आया, ठीक है। यानी कि हमारा क्या आ रहा है, इसे कितने से डिवाइड कर रहा है, वो 2 से डिवाइड कर रहा है। क्या आगे की ओर भी 2 से ही डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई आगे की ओर भी 2 से ही डिवाइड हो रहा है। तो इसके बाद भी क्या करना है, हमें 2 से ही डिवाइड करना है। अब कई बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ 1 आ गया, तो चलिए हम इस 1 को हटा देते हैं, हम मान लेते हैं 120। कितना मान लेते हैं, 120। अगर आप 120 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसने क्या ले लिया, 1 और ले लिया, तो 1 का आधा कर दो, 1 का आधा कितना होता है, 5। तो 60.5 आपका आंसर आ जाएगा, 60.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 60.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बड़े बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन सोल्व, बड़े ही आसान तरीके से सोल्व हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहुंचते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि 29वां क्वेश्चन आपको कहता है 848 से 422 और फिर 208 और फिर 100, कोई वैल्यू तो कम हो रही है, क्या यूज कर रहा है, डिवाइड यूज कर रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसे सोल्व करके देखते हैं कि ऐसा क्या डिवाइड कर दिया कि वैल्यू इतनी सारी कम हो गई, ठीक है सोल्व करते हैं। देखिए जब हम 448 को यदि हम 2 से डिवाइड कर ले, 2 से भाग कर ले, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आएगी आपकी 4, 2 और कितना आया, 4। लेकिन यहाँ पे 424 की जगह क्या लिखा गया है, 422 लिखा गया है। यानी कि 424 में से भी कितना माइनस कर दिया इसने, 2 और माइनस कर दिया। यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, उसके बाद हम 2 इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब भी यही काम करते हैं, देख के चलते हैं कि अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 211 आया। लेकिन अब की बार क्या लिखा गया है, 208। तो देखो 211 से 208 कितना माइनस कर दिया, माइनस कर दिया 3, माइनस कितना कर दिया, 3। अब इससे आगे की ओर देखते हैं कि यहां भी हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 104 आएगा। लेकिन यहाँ कितना लिखा गया है, 100 लिखा गया है, 100 लिखा गया है। कितना माइनस कर रहा है, 4 और माइनस कर रहा है। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। अब माइनस कितना करें, तो देखिए पहले 2 का यूज किया, फिर 3 का यूज किया, फिर 4 का यूज किया, अब कितना यूज करेगा, 5 का यूज करेगा। 2 से भाग कर दो और 5 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 45, यानी कि 45 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30वें पे पहुंचते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है। जैसे ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल तरीके से ही सोल्व होगा, जान लेते हैं किस तरीके से।
तो देखिए ये 14 × 28 कहीं ना कहीं क्या है, इसका हाफ है। चलिए हाफ करते हैं। सबसे पहले जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 143 बनेगा। तो कितना माइनस लिख रहा है, 1 माइनस लिख रहा है। चलिए हम 1 माइनस लिख देते हैं। इसके बाद तो पता ही नहीं क्या किया है, अब उसके बाद भी नहीं पता क्या किया है, लेकिन लास्ट में तो दो चीजें दी गई हैं, इनसे तो हम पता कर सकते हैं। जब हम इनसे पता कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यही डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे कि आपकी सीरीज माइनस की चल रही है, कितनी चल रही है, वो सब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चलिए 34 को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका 17। तो देखिए 34 को 2 से भाग किया तो आया 17, लेकिन यहाँ तो 16 लिखा गया है। कितना माइनस कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है। चलिए अगले को और चेक कर लेते हैं कि भाई 16 को कितने से डिवाइड करें, 2 से। कोई डिवाइड कर दिया, कितना आया, 8 आया, लेकिन यहाँ तो 7 लिखा है। कितना माइनस कर रहा है, 1। देखो स्टार्टिंग में भी 2 से भाग किया, 1 से माइनस, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड और 1 माइनस इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या यूज करेगा, 2 से ही डिवाइड करेगा और 1 ही माइनस करेगा। तो चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 72 में से कितना माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 71 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना, रीजनिंग ये सिंपल है और रीजनिंग का तो ये टॉपिक है। अब रीजनिंग इतनी आसान, तो रीजनिंग का टॉपिक तो बिल्कुल ही आसान होना चाहिए। तो इतने ही आसान तरीके से हम सिलेक्शन पा लेंगे। रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और स्कोर कब कर पाओगे, जब आप रीजनिंग पे पकड़ कर पाओगे। किस पे पकड़ कर पाओगे, सीरीज पे। रीजनिंग के सीरीज जो चैप्टर है उस पे आपको पकड़ बनानी होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप, है ना। वीडियो को आप हमेशा लास्ट तक देखा करो और साथ में कमेंट भी लिखा करो कि सर ये क्वेश्चन का तरीका ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है ना। और आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा कि घर पे आपको सोल्व करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिया था, है ना। चलिए आपका समय ना खराब करते हुए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में पे। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 3600 और यहाँ पे कितना लिखा है, 725 लिखा है। अगर यहाँ पे गैप जो है इतना है तो कितने से वो डिवाइड कर रहा होगा, तो चलिए जान लेते कितने से डिवाइड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कितना लिखा है, 36 को 5 से भाग किया, कितना आया, 7, है ना। तो कितने से डिवाइड कर रहा होगा, ये 5 से डिवाइड कर रहा होगा। कितने से डिवाइड कर रहा होगा, 5 से डिवाइड कर रहा होगा। चलिए हम इसे 5 से भाग कर लेते हैं, हमें कितने इससे क्या कर लेते हैं, 5 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए 5 × 7 कितना होता है, 35, फिर 5 × 2 कितना होता है, 10, और कितना हो गया, 0। जब 720 हमारा आंसर आ रहा है और ये हमें 725 दे रहा है, अब ये तो वही बढ़ा के बता रहा है। हम भी लिख देंगे यहाँ, क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। 5 से भाग किया, 5 ही प्लस कर दिया, आंसर आ गया। सेम काम आगे देखते हैं। चलिए पहले हम इसे कितने से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करते हैं। जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, 5 × 5 पे चला जाएगा। उसके बाद फिर कितने पे जाएगा, 5 × 20 पे जाएगा। फिर कितने पे जाएगा, 5 × 5 = 25 पे आएगा। अब यहाँ पे भी आंसर हमारा आ रहा था 145, लेकिन क्वेश्चन ने दे दिया 150। अब दोबारा से कितना प्लस कर रहा है, 5 ही प्लस कर रहा है। अब दोबारा से हम कितना प्लस कर देंगे, 5 ही प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या अगले में भी यही बन रहा है। तो देखिए 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, है ना। अब 30 का क्या लिख रहा है, 35, यानी कि यहाँ पे भी 5 से डिवाइड किया और क्या कर दिया, 5 ही इसमें जोड़ दिया गया। चलिए सेम काम आगे की ओर देख लेते हैं, क्या यहाँ भी ऐसा ही काम कर रहा है। चलिए जानते हैं कि भाई 35 को यदि वो 5 से भाग कर देता है तो कितना आता है, 7। अभी 7 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 12। भाई यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। तो क्या करेंगे, अब हम इसे 5 से भाग कर देंगे और कितना जोड़ देंगे, हम 5 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से, जब आप 12 को 5 से भाग कर दोगे तो कितने पे जाएगा, कि भाई 5 × 10, आगे 20 लिखा है तो यहाँ कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, क्योंकि 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है। अब इसमें कितना प्लस कर देना है, 5 प्लस कर देना है। तो 5 × 2 कितना हो गया, 7। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन का आंसर है हमारा 7.4।
यानी कि 7.4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, 32वें क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि यहाँ पे जो रकम हमें नजर आ रही है तो दो बार 8 लिख दिया गया है, फिर 9 लिख दिया गया है, गैप इतना भी नहीं लिया है ना। तो सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करनी है आपको, केवल और केवल डिवाइड का यूज करते चले जाइए, क्वेश्चन तुरंत अपने आप सोल्व होता चले जाएगा। कैसे सोल्व होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये 30 है, ये यहाँ पे लिखा है 16, ये कहीं ना कहीं इसके हाफ है, आधे पे है, तो चलिए पहले आधा ही कर देते हैं। हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया, 30 को जब आप 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 15 आएगा, लेकिन यहाँ तो 16 लिखा गया है, 16 लिखा गया, चलिए भाई एक जोड़ा होगा, हमने एक जोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब हम 16 से जाएंगे 10 पे, 16 का पहले हम हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आया 8, अब उसमें 10 लिख दिया, 10 लिख दिया तो कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, कि भाई तुम कितना भी कर लो हम आपको सोल्व कर ही देंगे लास्ट में। देखिए फिर आगे क्या किया है इसने, 10 को चलिए फिर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आया 5। अब भाई इसने क्या कर दिया, अब इसने 3 प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया, अब हम 3 प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पे जाते हैं, अब 8 का आधा कितना होता है 4, चलिए 4 में कितना जोड़ दिया, 4 ही जोड़ दिया, बहुत बेहतरीन। इससे अगले पे पहुंचते हैं कि 8 को आप कितने भाग करेंगे, आप 2 से भाग करेंगे, कितने पे जाएगा 4 पे, और फिर कितना प्लस कर रहा है 5 प्लस कर रहा है। तो देखो दोस्तों क्या काम कर रहा है, पहले 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, अब क्या करेगा, अब वही काम करेगा कि 2 से ये डिवाइड कर लेगा और इसमें कितना प्लस कर देगा, 6 इसमें प्लस कर देगा। जब आप 9 का आधा करोगे, 9 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और 4.5 में आप 6 जोड़ दो आंसर आ गया, तो चलिए 4.5 में 6 जोड़ देते हैं, आंसर कितना आया 10.5, आंसर कितना आया 10.5। इस क्वेश्चन का आंसर जो सिंपल था वो आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 33वां जो क्वेश्चन है, 33वें क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा कि 33वें क्वेश्चन में क्या आपका आंसर बनेगा। बाकी के जितने पार्ट हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे कि आपका मल्टीप्लाई का जो पार्ट है, मल्टीप्लाई के अंदर हम पहले एक सिंपल फॉर्म को जानेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई के साथ में प्लस को और माइनस को और डिवाइड को, इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे, और फिर हम करेंगे स्क्वेयर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वेयर और आपका क्यूब, मल्टीप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये पार्ट मैंने कराए हैं ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन नहीं मानोगे कल वाले पार्ट को हम इनसे भी आसान करेंगे जो मल्टीप्लीकेशन का होता है। तो वीडियो को शेयर करते रहा करो, सब्सक्राइब करते रहा करो, क्वेश्चन आपके सामने है 33वां, इसका आंसर आप सबको बताना है, किसी का गलत आंसर आ रहा है तो मैं वो भी बताऊंगा, और आपको इसका तरीका अगर पता है तो वो भी बताना है, नहीं सोल्व होगा तो मैं आपको कल वाली क्लास में ये सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। बस घर पे पढ़ते रहिए और आप लॉकडाउन का पालन करते रहिए। नमस्कार।